एक औरत अपने घर से निकलकर बरामदे में खड़ी हो गई और वो बाहर देख रही थी। बाहर रोड पर तीन बूढ़े आदमी सफ़ेद रीश मुसाफिर थे, वहाँ पर खड़े थे, एक दूसरे के साथ गप शप लगा रहे थे। तो ये औरत मेहरबान थी, ये उनके पास चली गई और उनसे कहा कि आप लोग मेहमान हैं, थके हुए हैं, चलो मेरे घर चाय पिए, खाना खाए और फिर आप जा सकते हैं। तो इनमें से एक ने कहा, देखिए हम तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते, हम में से सिर्फ एक आ सकता है। क्यों? इसलिए कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है दौलत, और दूसरा दोस्त है, उसका नाम है सेहत, और तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम है मोहब्बत। अभी आप जाएं अपने शोर से मशवरा करें कि किसके लिए दावत करना चाहते हो, दौलत के लिए, सेहत के लिए या मोहब्बत के लिए। औरत वापस घर के अंदर चली गई और अपने शोर से मशवरा करने लगी कि तीन आदमी खड़े हैं बाहर, एक दौलत है, एक सेहत है, एक मोहब्बत है, किसको हम अपने घर दावत के लिए बुलाएं। शौर्य का बहुत अच्छा बात है, दौलत को बुलाते हैं, क्योंकि जब दौलत घर में आता है तो हम सारे खुश हो जाते हैं, दौलतमंद बन जाते हैं। तो बीवी ने कहा, नहीं, दौलत से ज़्यादा सेहत है, मैं क्यों ना हम सेहत को बुलाएं। उनकी एक बेटी थी, उनकी अपने माँ बाप की जो बातें सुन रही थी, भागकर उनके पास चली आई। उसने कहा, नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, हम अपने घर में मोहब्बत को मेहमान करना चाहते हैं। तो शोर हाँ बीवी ने अपनी बेटी की बात मान ली। तो शोर ने अपनी बीवी से कहा, चलो मोहब्बत को मेहमान बुलाओ। औरत बाहर चली गई, ने कहा कि आप में से जो मोहब्बत है, चलो हम लोग उसकी दावत करना चाहते हैं। तो मोहब्बत औरत के पीछे रवाना हो गई, तो उनके साथ साथ दौलत और सेहत भी रवाना हो गई। तो जब औरत ने देखा कि दौलत और सेहत भी आ रहे हैं, तो उनसे पूछा कि देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए दावत की है, आप लोग क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, देखिए, अगर आप सिर्फ दौलत के लिए दावत करते तो सिर्फ अकेला दौलत आपके घर आ जाता, अगर आप सेहत के लिए दावत करते तो सिर्फ अकेला सेहत आपके घर आ जाता, लेकिन आपने मोहब्बत के लिए दावत किया है। क्योंकि जब जहाँ जहाँ मोहब्बत जाता है, दौलत और सेहत उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसलिए अपने घर में मोहब्बत को दावत दो, अपने घर में मोहब्बत को दावत दो, दौलत और सेहत खुद ब खुद आपके घर आ जाए।